ब्राह्मण एकता समिति की एक बैठक अपार चैम्बर में आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आशीष शर्मा ने तमाम रणनीतियों पर चर्चा की। अपने सदस्यों पदाधिकारियों से अपार चैम्बर में हुई इस बैठक में उन्होंने आगामी रणनीति के बारे में खुलकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार के साथ हो रही जाति के बारे में भी मीडिया के सामने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सरधना के रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार को पिछले कई दिनों से पुलिस जो है उसके द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस पर स्थानीय विधायक का प्रभाव देखा जा रहा है और उसके दबाव में ही पुलिस उन जो विरोधी हैं, जो उसमें वादी प्रतिवादी हैं, आरोपी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उन्हें पकड़ नहीं रही है। इस विषय में आगामी रणनीति में अगर ऐसे पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती तो उन पर जो है ब्राह्मण एकता समिति की तरफ से विधायक से मिलने का भी एक प्रस्ताव दिया गया, जिसको सभी ने पारित किया, स्वीकृत किया और आगामी रणनीति के बारे में खुलकर चर्चा की। आज ब्राह्मण एकता समिति की मासिक बैठक अपार चैम्बर में जिमखाना मैदान के सामने की गई है। इसका जो करने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे ब्राह्मण एकता समिति हर साल सालाना होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है, तो आज उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए मीटिंग की गई है कि उससे किस किस तरीके से हम जो है आयोजन को करेंगे और किस स्थान पर करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला हमारे समाज का, थाना दोवाला का हमारे पास आया है। उस मामले में हम सबकी राय लेके आगे की अग्रिम कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे जो है तैयारी करेंगे। ब्राह्मण समाज के एक लड़के का अब से 4 महीने पहले अपहरण हुआ और अपहरण होने के बाद से लेके अब तक उसमें 6 नेम्ड हुए और 6 के 6 की ना तो पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की और ना ही लड़के का अब तक जो है कोई सुधार गया, कोई किसी तरीके की उसमें जो है उस परिवार को सांत्वना मिली और वो परिवार लगातार जो है